हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। लोगों को मौत का डर नहीं होता, डर तो इस बात का होता है जब मौत सामने होती है तो तब पता चलता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ किया ही नहीं है। एक स्टडी हुई 100 एज्ड लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो अपनी मौत के सबसे करीब थे और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप अपनी लाइफ के सबसे रिग्रेट के बारे में बताइए, और उनके जवाब चौंकाने वाले थे। उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने यह कहा कि उन्हें उन बातों का या उन चीज़ों का कोई रिग्रेट नहीं है जो उन्होंने की है, बल्कि उन बातों का या उन चीज़ों का है जो उन्होंने अभी तक नहीं की थी। वो रिस्क जो उन्होंने नहीं लिया, वो सपने जो उन्होंने नहीं जिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके लास्ट वर्ड भी यही होंगे, काश मैंने वो किया होता? हे यू यार, अब तो उठो, तुम आखिर जी ही क्यों रहे हो? जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए, वीकेंड का वेट करने के लिए, खाना खाने के लिए या फिर रेंट पे करने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जिंदगी एक गिफ्ट है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर एक इंसान को ये गिफ्ट दिया गया है, और मैं सब इंडियन से और साउथ इंडियन की कम्युनिटी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी इसलिए क्योंकि मैं और विश्वास नहीं कर सकता कि महात्मा गांधी जी का भी कोई सपना था। मैं नहीं मानता कि गांधी जी का कोई सपना था, बल्कि उनको तो देश की आज़ादी के सपने ने खुद चुना था। लोग सपनों को नहीं चुनते, बल्कि सपने लोगों को चुनते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप में इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि आप उस सपने को पकड़ सको जिसने आपको चुना है, उस सपने को जी सको जिसने आपको चुना है, या फिर तुम भी डर के कारण उस सपने को टूटने दो जिसने आपको चुना है? आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मुझे एयरप्लेन के बारे में एक अच्छा फैक्ट पता चला। एक पायलट ने बताया कि बहुत से लोगों का कहना है कि प्लेन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन एक्चुअली में प्लेन के लिए उड़ने से ज़्यादा खतरनाक तो ग्राउंड में खड़े होना होता है। अभी आप सोचेंगे यार ये कैसे, आपको बताता हूँ। सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, प्लेन जब ग्राउंड में खड़ा होता है तभी उसमें जंग लगता है, दुनिया भर की खराबियाँ आती हैं, तब नहीं जब वो आसमान में उड़ रहा होता है। तो हाँ यार, प्लेन को बनाया ही उड़ने के लिए, ना कि ग्राउंड में खड़े होने के लिए। हर एक इंसान को बनाया गया है उसके सपने को जीने के लिए जो उसके अंदर होता है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? एक इंसान अपने सपने के साथ उड़े बिना ज़मीन पर ही मर जाए। हम में से ज़्यादातर लोग उस चोर से डरते हैं जो रात को हमारा सामान चोरी करने आता है, लेकिन एक चोर और भी है जो तुम्हारे माइंड के अंदर है, वो तुम्हारे सपनों के पीछे पड़ा है, उसका नाम है डाउट। अगर वो तुम्हें दिखे ना, तो प्लीज़ पुलिस को कॉल करना और बच्चों से उसे दूर रखना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कातिल है। उसने बहुत से सपनों का कत्ल किया है, इतने सारे सपने जितने कि एक फेलियर ने भी नहीं मारे होंगे। उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं और वो वायरस की तरह उनको इफेक्ट करता है, तुम्हारी आँखों की रोशनी छीन लेता है, तुमको डिवाइड कर देता है और तुमको एक तरह के इंसान में बदल देता है। देखो, एक तरह के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। तुम जानते हो वो एक तरह के लोग कौन होते हैं? वो एक तरह के लोग कैरियर चेंज करना चाहते हैं, वो एक तरह के लोग जो क्लास में टॉपर आना चाहते हैं, वो एक तरह के लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। अगर तुमको कोई चीज़ एक तरह से चाहिए तो तुमको रिजल्ट भी एक तरह से ही मिलेंगे। तुम्हारा सपना क्या है, वो क्या है जो तुम्हारे अंदर चिंगारी जला देता है, तुम्हारे अंदर एक स्पार्क पैदा कर देता है? तुम उसको सिर्फ एक तरह से नहीं चाह सकते, तुम्हें उसको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से चाहना होगा। क्या तुम स्ट्रगल करोगे? हाँ बिल्कुल, तुम स्ट्रगल करोगे, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तुम बहुत बार गिरोगे भी, लेकिन गिन कौन रहा है? एक बात याद रखना, आसान रास्ते नाम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर तुमको टॉप पर पहुंचना है ना, तो ऐसे बहुत से खतरनाक छोटे छोटे रास्तों से गुजरना होगा। ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूँ, शाहरुख खान को घर से निकाल दिया गया था सिर्फ पैसे ना होने के कारण, लेकिन उन्होंने चलना बंद नहीं किया। अमिताभ बच्चन को ये कहा गया था कि उनकी आवाज़ रेडियो में भी
चलने लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने चलना बंद नहीं किया, ही केप्ट गोइंग। देखो, मेहनत और आलोचना कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इस यूनिवर्स का लॉ है और इससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि दर्द ही जिंदगी है। लेकिन तुम टाइप चूज कर सकते हो। तुम्हें ग्रेटनेस और सक्सेस में आने वाले रास्ते का दर्द चाहिए या फिर वो दर्द चाहिए जो रिग्रेट करने पर होगा। मेरी तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जिंदगी में कभी भी दो बार मत सोचना, नेवर थिंक ट्विस्ट। हमें एक तोहफा दिया गया है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, तो उसको यूं ही जाया मत करो। कभी कभी जिंदगी में नीचे जाते समय छलांग लगाकर अपने पंखों को फैलाकर देखना। कभी कभी घड़ी की सुई चलने से पहले आखिरी शॉट लेकर देखना, क्योंकि असलियत तो यही है कि ओवरटाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसीलिए अगर तुमने अपने गिफ्ट का सही से यूज़ नहीं किया तो तुम खुद से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी काफ़ी कुछ छीन लोगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जो बंद पड़ी हुई है? कौन सा आइडिया है, कौन सा स्किल है तुम्हारे अंदर जो तुम इस यूनिवर्स के सामने ला सकते हो? यूनी का मतलब वन, वर्स का मतलब सॉन्ग। तो सॉन्ग का हिस्सा तुम्हारा भी है। उस माइक को उठाओ और जिंदगी के स्टेज पे अपने दिल से पूरे जोश के साथ गाओ। तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो बैक, मेक ए ब्रांड न्यू बिगनिंग, बट यू कैन स्टार्ट नाउ एंड मेक ए ब्रांड न्यू एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।